रहीम बेटा जी, आज जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है वो टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। जैसा कि हम ये जानते हैं कि कैपेसिटर जो है वो चार्जेस को स्टोर करता है। जब आपने कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी को अटैच कर दिया तो बैटरी जो है वो कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगी। इनिशियली व्हेन टाइम टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, उस वक्त कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्जेस की वैल्यू है वो ज़ीरो होगी, लेकिन कुछ देर के बाद जो बैटरी है वो कैपेसिटर को उसी पोटेंशियल के साथ मेंटेन कर देती है जो कि बैटरी का अपना पोटेंशियल होता है। यानी कि बैटरी जो है वो कैपेसिटर को फुली चार्ज कर देती है, और फुली चार्ज करने का मतलब है 99.9% जो है वो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर को 100% चार्ज नहीं किया जा सकता, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर प्रूफ भी कर देंगे जब आपके पास एक्सप्रेशंस आ जाएंगे चार्जिंग के और डिस्चार्जिंग के। तो आज हमने ये देखना है कि कैपेसिटर जो है वो जब उसको चार्ज किया जाता है तो आप जानते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। उस डायलैक्ट्रिक मीडियम के अंदर, जिस डायलैक्ट्रिक मीडियम को आपने जो है वो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इंसर्ट किया हुआ होता है, वो डायलैक्ट्रिक मीडियम पोलराइज हो चुका होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायलैक्ट्रिक मीडियम में से पास करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो जो डायलैक्ट्रिक मीडियम आपने इंसर्ट किया था, उस डायलैक्ट्रिक मीडियम के अंदर आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करवा दिया है। या हम ये भी कह सकते हैं कि आपने कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस चार्जेस को स्टोर करवा दिया है, तो वो जो चार्जेस जो हैं उनके ऊपर जो वर्क परफॉर्म किया गया है वो वर्क असल में किस फॉर्म में अपीयर हो रहा है, दैट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे कि कैपेसिटर जो है वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी वैल्यू क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर तो करता है, लेकिन उसकी न्यूमेरिक वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के ऊपर कैपेसिटर की जो एनर्जी स्टोर्ड है वो डिपेंड करती है, तो उसके लिए हम एक डेरिवेशन करेंगे। हम कंसीडर कर लेते हैं, इनिशियली हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मौजूद है, और ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इस कैपेसिटर को आपने बैटरी के साथ अटैच कर दिया। अब बैटरी क्या करेगी, बैटरी इसको चार्ज करना शुरू कर देगी। तो इस कैपेसिटर की ये जो प्लेट है, इसकी जो लेफ़्ट प्लेट है, इसकी लेफ़्ट प्लेट के साथ आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच किया और राइट प्लेट के साथ आपने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अटैच कर दिया। तो आपको लेफ़्ट प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस नज़र आ रहे हैं और राइट प्लेट के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्जेस नज़र आ रहे हैं। तो अब ये देख लें कि हम इसको स्टार्ट करते हैं इनिशियली, जिस वक्त ये जो स्विच हमने यहाँ पर अटैच किया हुआ है, हमने कैपेसिटर को अटैच किया था विद द बैटरी थ्रू अ स्विच, आपने एक स्विच के ज़रिए उसको कनेक्ट किया था। तो ये जो स्विच है, इनिशियली स्विच क्या है, ओपन, लेकिन जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज़ करते हैं, स्विच को क्लोज़ करने का मतलब है दिस इज़ टाइम टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ से आपने टाइम को मेजर करना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे हम इसकी इनिशियल सिचुएशन को देखते हैं एट टाइम टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान उस वक्त कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर नहीं हुई होगी। रीज़न, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर कोई भी चार्जेस मौजूद नहीं होंगे। किस वक्त की बात कर रहे हैं, जिस वक्त टाइम टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो है, जिस वक्त आपने बैटरी को जस्ट अटैच किया कैपेसिटर के साथ थ्रू अ स्विच, आपने स्विच को जस्ट क्लोज़ किया, उस टाइम के ऊपर जो बैटरी है उसने कैपेसिटर को अभी कोई भी चार्ज प्रोवाइड नहीं किया, उसकी प्लेट्स के ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, चार्ज क्यू की वैल्यू ज़ीरो है। तो जब चार्ज क्यू की वैल्यू ज़ीरो होगी तो फिर कोई पोटेंशियल भी डेवलप नहीं हुआ होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। तो इनिशियल सिचुएशन मैंने आपको बता दी, एट टाइम टी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो हमारे पास जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। उसके बाद आप जानते हैं कि क्या प्रोसेस है, कैपेसिटर किस तरीके से चार्ज होता है। जैसे जैसे बैटरी यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगी और उस इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट को सप्लाई करती रहेगी, तो इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आते रहेंगे और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस आते रहेंगे। और आप जानते हैं कि हर नेक्स्ट चार्ज को स्टोर करवाने के लिए बैटरी को पहले से ज़्यादा वर्क परफॉर्म करना पड़ता है, यानी कि बैटरी कैपेसिटर को चार्ज कर रही है वर्क परफॉर्म करके, बैटरी की जो एनर्जी है वो यूटिलाइज हो रही है। तो आफ्टर टाइम टी, कुछ टाइम टी गुजर जाने के बाद, वो टाइम जो है वो कुछ स्पेसिफिक टाइम हो सकता है, हर कैपेसिटर का अपना अपना एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिस टाइम के बाद बैटरी जो है वो कैपेसिटर को कम्प्लीटली चार्ज कर चुकी होती है। सो आफ्टर टाइम टी इज़ इक्वल्स टू टी, जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितना हो चुकी है, पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल हो चुकी है पोटेंशियल वी के, यानी कि बैटरी चार्जेस को स्टोर करती गई कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस और जो पोटेंशियल है वो डेवलप होता गया। सपोज कि आपके पास यहाँ पर बैटरी जो थी वो 3 वोल्ट की थी, तो बैटरी ने पहले कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट को इस्टेब्लिश किया, फिर उसके बाद 2 वोल्ट को क्रिएट किया, फिर उसके बाद 3 वोल्ट को क्रिएट किया। तो जब तक बैटरी जो है वो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल की वैल्यू को उतना ही नहीं कर देती जितना बैटरी का अपना पोटेंशियल है, तब तक बैटरी जो है वो कैपेसिटर को चार्ज करती रहेगी। तो हमारे पास आफ्टर टाइम टी
कुछ टाइम गुजर जाने के बाद जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाती है, दैट बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बैटरी। अब हम यहाँ से एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पोटेंशियल की वैल्यू स्टार्ट में ही मैक्सिमम नहीं हो गई थी, पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो थी और ज़ीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंची है। तो हम एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी एवरेज वैल्यू जो है वो कैपेसिटर के अक्रॉस स्टोर हुई पोटेंशियल की। तो एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इनिशियल पोटेंशियल प्लस फाइनल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टू। अब आप जानते हैं कि इनिशियल पोटेंशियल कितना था, इनिशियल पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो थी, और फाइनल पोटेंशियल कितना है, फाइनल पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो वी है। तो आप ज़ीरो प्लस वी डिवाइडेड बाय टू, यहाँ से आपके पास एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल आ जाएगा। एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय टू। ये आपने एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लिया। अब हमने ये फाइंड करना है कि इस बैटरी ने कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, कैपेसिटर के अक्रॉस इस पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए, जो पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया है V डिवाइडेड बाय 2, इस पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए बैटरी ने चार्जेस के ऊपर कितना वर्क परफॉर्म किया। आप गौर करें इस बात के ऊपर, यही वो वर्क है जो आपको किस फॉर्म में मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी वो असल में यही परफॉर्म वर्क है जो कि कौन परफॉर्म कर रहा है, बैटरी परफॉर्म कर रही है, और किसके ऊपर, चार्जेस के ऊपर परफॉर्म कर रही है, क्योंकि चार्जेस को बैटरी ने क्या करवाना है, कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस स्टोर करवाना है। तो हम वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब हम जानते हैं कि हमारे पास वर्क डन के लिए फार्मूला क्या होता है। अगर आप पोटेंशियल को, पोटेंशियल से रिलेटेड आपका एक्सप्रेशन याद है तो हमें पता है वी इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये आपके पास एक्सप्रेशन था। और अगर मैं यहाँ से वर्क डन जो है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ तो वर्क डन की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाई बाय वी, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, वर्क डन बाय द बैटरी। तो वर्क डन जो है, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाई बाय वी। अब हमें पता है कि कितना चार्ज स्टोर किया है, जो चार्ज स्टोर किया है वो चार्ज क्यू है, कैपिटल क्यू से हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। और कितना पोटेंशियल स्टोर करवाया है, कितना पोटेंशियल क्रिएट करवाया, तो जो पोटेंशियल क्रिएट करवाया है दैट इज़ V डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ गई, दिस इज द वर्क डन परफॉर्म बाय द बैटरी ऑन चार्जेस टू स्टोर अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो अब हम ये जानते हैं कि यही वो वर्क डन है जो कि अपीयर होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास, हमने वर्क डन को क्या कंसीडर कर लिया, दिस इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान स्टोर हो चुकी है एनर्जी। तो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल यू से रिप्रेजेंट कर दिया। सो कैपिटल यू इज इक्वल्स टू, कैपिटल यू इज इक्वल्स टू क्यू वी डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन आ जाता है। अब ये एक आपके पास मेन एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस एक्सप्रेशन को मजीद फॉर्म्स के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर हम क्यू की वैल्यू प्लेस कर देते हैं तो फिर आपके पास जो है वो एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर हम वी की वैल्यू प्लेस कर देते हैं तो एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कैपेसिटर का फार्मूला क्या है, कैपेसिटर का फार्मूला है क्यू इज इक्वल्स टू सी वी। अब मेरे पास यहाँ से, यहाँ पर मैं Q की वैल्यू भी प्लेस कर सकता हूँ, Q इज़ इक्वल्स टू सी वी, और यहाँ पर मैं V की वैल्यू भी प्लेस करता हूँ, V इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय C। तो मेरे पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, वो डिफरेंट कम्बिनेशंस के अंदर यूज़ होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। अब देखिए, हम इनिशियली क्या प्लेस करें, इनिशियली हम प्लेस करें Q इज इक्वल्स टू सी वी, तो हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा। वो एक्सप्रेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हाफ सी वी स्क्वायर। आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है जो कि आपको बता रहा है कि कैपेसिटर जो है उसके दरमियान जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है प्लेट्स के दरमियान वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। वो डिपेंड करती है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के ऊपर, वो डिपेंड करती है कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू के ऊपर। तो ये एक और एक्सप्रेशन जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब हम इस एक्सप्रेशन के अंदर, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा है, उस एक्सप्रेशन के अंदर हम क्यू की वैल्यू को प्लेस नहीं करते, बल्कि हम किसकी वैल्यू को प्लेस कर देते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू को। तो हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, V इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय सी। तो हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा, वो एक्सप्रेशन क्या होगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। तो अब आपको यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चार्ज के ऊपर भी डिपेंडेंट है, पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटेंस के ऊपर भी डिपेंडेंट है। लेकिन अगर गौर किया जाए तो आपके पास जो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 आई है, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर एक कन्फ्यूजन है। वो कन्फ्यूजन क्या है, वो कन्फ्यूजन ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होती है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशन ये भी है जिसमें सी वी स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, यू इज इक्वल्स टू सी वी स्क्वायर बाई 2,
और जो दूसरा एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन के अंदर जो कैपेसिटेंस है वो डिनोमिनेटर में आ रही है, यू इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू सी। तो इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कैपेसिटेंस पे कैसे डिपेंड करती है, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? तो जब कभी भी आप डायरेक्ट या इन्वर्स रिलेशन को सिलेक्ट करने लगें तो फिर आप इस बात का ख्याल रखें कि कौन सी क्वांटिटी को कांस्टेंट किया गया है, कौन सी क्वांटिटी को कांस्टेंट किया गया, ताकि हम डायरेक्ट या इन्वर्स रिलेशन को डिसाइड कर सकें। अगर आप ये कहते हैं दैट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, तो उस वक्त जो V की वैल्यू है यानी कि पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को क्या कर दिया जाता है, उस पोटेंशियल को कांस्टेंट कर दिया जाता है। यानी कि V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी वो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा, जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम होगी वो कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा। कब? जिस वक्त दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस एक जैसा पोटेंशियल अप्लाई किया जाए, यानी कि हम V को कांस्टेंट करके U को कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कैपेसिटेंस के। मोर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर आप देखें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कैपेसिटेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन ये इन्वर्स रिलेशन किस वक्त बनेगा? ये इन्वर्स रिलेशन उस वक्त बनेगा जब हम चार्ज की वैल्यू को क्या कर देंगे, जब हम चार्ज की वैल्यू को कांस्टेंट कर देंगे। चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तो फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होगी। जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उसके अक्रॉस एनर्जी स्टोर्ड कम, और जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम होगी उसके अक्रॉस एनर्जी स्टोर्ड ज़्यादा। लेकिन कब? जब चार्जेस की वैल्यू क्या हो, चार्जेस एक जैसे, कैपेसिटर्स जो है वो एक जैसे चार्ज को स्टोर कर रहे हो। अब आप गौर करें कि इस तरह की जो सिचुएशन है वो आपको कहाँ पर नज़र आती है, यानी कि चार्जेस कब कांस्टेंट होते हैं और जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कब कांस्टेंट होती है। तो बेटा जी याद रखें कि पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट उस वक्त होती है जब आप कैपेसिटर्स को पैरेलल कम्बिनेशन में अटैच कर रहे होते हैं, और चार्जेस की वैल्यू कांस्टेंट उस वक्त होती है जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर अटैच कर रहे होते हैं। तो कैपेसिटर्स के पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर एनर्जी स्टोर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होती है, और कैपेसिटर्स के सीरीज कम्बिनेशन के अंदर एनर्जी स्टोर्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होती है। होपफुली यहाँ तक आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास आई है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके उसका इफेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर देख सकते हैं? अगर हम चार्जेस की वैल्यू को ज़्यादा स्टोर करवा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर कितना इफेक्ट होता है, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी 2 times हो जाती है, 4 times हो जाती है? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल कर देता हूँ तो मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट मिलेगा, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी 2 times हो जाएगी, 4 times हो जाएगी, 8 times हो जाएगी, या हाफ हो जाएगी, या 1/4 हो जाएगी? तो इस बात का डिसीजन लेने के लिए हम इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। वो देखिए किस तरीके से, हम जानते हैं कि जो V है यानी कि पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसे रिलेट करता है। ये हमने एक्सप्रेशन दोबारा कहाँ से यूज़ किया, ये वही वाला एक्सप्रेशन है जिसमें आपको बताया गया था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हम जानते हैं कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है उस सेपरेशन को हमने डी से रिप्रेजेंट कर दिया है, और इन दोनों प्लेट्स का जो एरिया है, अगर मैं एरिया को रिप्रेजेंट करूं तो एक प्लेट का एरिया जो है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है उस मीडियम को मैं एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम इससे रिप्रेजेंट कर देता हूं। एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम डिपेंड करता है एप्सिलॉन आर के ऊपर और एप्सिलॉन नॉट के ऊपर, वो आप इससे पहले एक्सप्रेशंस के अंदर देख चुके हैं, इससे पहले लेक्चर्स के अंदर आप वो पढ़ चुके हैं। सो वी इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाई बाय डी, हम ये जानते हैं कि जो पोटेंशियल है वो ई मल्टीप्लाई बाय डी के इक्वल है, और दूसरा जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस की वैल्यू कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। आप जानते हैं कि आप लोगों ने जब डायलैक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट किया था कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, तो उस वक्त हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया था, हमारे पास एक्सप्रेशन आया था ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी, यानी कि आपके पास ये दोनों टर्म्स मौजूद हैं। वी को आपने इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब है कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर कैपेसिटेंस की और पोटेंशियल की वैल्यूज़ को प्लेस करूं तो मुझे उस एक्सप्रेशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। इस वजह से मैंने इक्वेशन नंबर 2 को सिलेक्ट कर लिया। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर मैं कैपेसिटेंस की ये वाली वैल्यू प्लेस करूंगा,
विद सम डायलैक्ट्रिक मीडियम, इसीलिए आपको एप्सिलॉन आर नज़र आ रहा है। अगर हम सिर्फ वैक्यूम सपोज कर रहे होते तो फिर वैक्यूम में फिर आपको एप्सिलॉन आर नज़र ना आता, ये सिर्फ और सिर्फ ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी इसके इक्वल होता। तो इस वक्त हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई डायलैक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया हुआ है। तो आपने सी की वैल्यू प्लेस करनी है, ये वी की वैल्यू प्लेस करनी है, ये वी इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाई डी, ई मल्टीप्लाई बाई डी। जब आप ये दोनों वैल्यूज प्लेस कर देंगे तो हमारे पास देखें एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 सी की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई डी और वी की वैल्यू ई मल्टीप्लाई बाई डी। अब आप देखें कि वी स्क्वायर था सो ई मल्टीप्लाई बाई डी होल स्क्वायर। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई डी ई स्क्वायर डी स्क्वायर। अब आपने यहाँ से स्क्वायर ले लिया तो वो ई स्क्वायर डी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, तो डी को आप एक पावर के साथ क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब हमने इस एक्सप्रेशन को एक पर्टिकुलर शेप दे देनी है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है एरिया, एरिया ऑफ प्लेट जो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है, और दूसरा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स जो कि यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अगर एरिया को सेपरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको कैपेसिटर का कंप्लीट वॉल्यूम पता चल जाएगा। अगर हम एरिया को सेपरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, एरिया ऑफ प्लेट और उसके साथ सेपरेशन, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ये दोनों मिलकर बना देंगे इस कैपेसिटर का वॉल्यूम। तो हमने एरिया को और डी को, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, और इनको कंबाइन करके हमने क्या कंसीडर कर लिया, ये क्या है, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करें, कैपेसिटर का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। तो अब आपने जो वॉल्यूम है उसको लेफ्ट साइड पर डिवाइड कर देना, इस वॉल्यूम को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दें, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म बनेगी वो टर्म होगी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, और एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है। आपको ये पता चल जाएगा कि कैपेसिटर के यूनिट वॉल्यूम के ऊपर कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है। सो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। अब आपको यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर ये वाले फैक्टर्स कॉन्स्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, ये दोनों फैक्टर्स कॉन्स्टेंट हैं, तो जो एनर्जी डेंसिटी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप किसी भी तरीके से इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को चेंज किए बगैर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसको इंक्रीज़ करते हैं, तो उसका एनर्जी डेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, और वो भी किसके लिहाज से, विद पावर टू। यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल करने से आपके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी होगी वो 4 times हो जाएगी। तो यहाँ तक आपने इस टॉपिक को देखना है, होपफुली आप लोगों ने टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम टाइम कॉन्स्टेंट्स के बारे में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।